जनता का पूरी विश्व का जो मंच है हाँ। वो उनकी तरफ देखता है हाँ। कि संसार में अगर कुछ शांति अमन चैन आएगा हाँ। तो भारत की तरफ से आएगा हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने भारत वर्ष को एक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत की है हाँ। उन्होंने जीडीपी भी अच्छी ग्रोथ कर दी है, इसलिए काफी लोकप्रिय है, काफी लोकप्रिय जी हाँ। जैसे दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और अपने इक्विपमेंट्स परचेज करने पे उनपे काफी अच्छे डीलिंग्स करते हैं। देखिए ऐसा है, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं अपने परिवार का बड़ा आदमी हूँ, अगर मैं अपने घर में कुछ अच्छा कर रहा हूँ तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे ना, ऐसी मोदी जी की इज्जत कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ग्लोबल लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर वन का पोजीशन दिया गया है। देश में कितने लोकप्रिय हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो आपने देख लिया कि उनको नंबर वन का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन देश की जनता की नज़र में प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे और आपसे भी उन जनता को रूबरू कराएंगे कि क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में लोकप्रिय हैं या नहीं। राहुल यादव, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबल लिस्ट में नंबर वन पर आए हैं? उन्होंने जो बड़े बड़े लीडर्स हैं यानी कि जो बाइडेन, ऋषि सुनक, सबको पछाड़ कर नंबर वन की पोजीशन हासिल किया, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं? जी हम, क्यों नहीं लगता है? मैम बहुत सारे का रीजन कारण है। जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल लोकप्रिय है जी। क्यों लगता है आपको कि लोकप्रिय है? क्योंकि उन्होंने अपने भारत वर्ष को एक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत की है, उन्होंने जीडीपी भी अच्छी ग्रोथ कर दी है, इसलिए काफी लोकप्रिय है, काफी लोकप्रिय जी हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैम वो लोकप्रिय हैं, इसलिए वो लोकप्रिय हैं। यस मैम, वाकई में लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय क्या कारण आपको लगता है कि लोकप्रियता उनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है? चरित्रवान आदमी है, ईमानदार हैं, समाज के लिए और देश के लिए जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय है। सच है तभी तो लोकप्रियता बढ़ेगी, नहीं तो बढ़ेगी कैसे? सच है, सच है तो जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है, जनता का पूरी विश्व का जो मंच है हाँ। वो उनकी तरफ देखता है हाँ। कि संसार में अगर कुछ शांति अमन चैन आएगा हाँ। तो भारत की तरफ से आएगा हाँ। देश भी आगे बढ़ेगा क्योंकि लोकप्रिय नेता है, तो देश को कितना आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा, निवेश आएगा तो देश हाँ। भी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लोकप्रियता मतलब है मानी जाए, बिल्कुल मानी जाए। लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय है। क्या कारण है आपको लगता है लोकप्रिय? गरीबों का उत्थान करते हैं, गरीबों का उत्थान हाँ, राशन फ्री मिलता है, रेल में छूट है, बस में छूट है हाँ। तो इसलिए आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं? बहुत लोकप्रिय हैं मोदी जी के हाँ। काम कर रहे हैं अच्छा हाँ। विकास चल रहा है, विकास का काम कर रहे हैं हाँ, रोड का हो रहा है, रेल का हो रहा है हाँ। और भी सारे काम हो रहे हैं, तो इसलिए लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और जनता के भी बहुत ज्यादा नजदीक है, जनता बहुत पसंद कर हाँ उनको चाहती है, उनके रहने पर आगे क्या होगा ये देखना चाहते हैं और अच्छा, उनके रहने उम्मीद है, उम्मीद है जनता को हाँ। पीएम मोदी बढ़िया है, बढ़िया है। कारण क्या हो सकते हैं, जनता इतना क्यों पसंद करती, इतने क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं? देश के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए बढ़िया कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ था कि इंदिरा गांधी भी बहुत लोकप्रिय हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी से अब ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए? मुझे तो नरेंद्र मोदी पसंद है। आपको नरेंद्र मोदी पसंद है हाँ जी, इसलिए लोकप्रिय आपको लगता है? हाँ जी, मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है, देश के लिए अच्छे कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखो जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मोदी साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, इसके जैसा कोई नेता नहीं है। मोदी बहुत अच्छा काम कर, मोदी योगी दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं मतलब जनता। हाँ लोकप्रिय है, हमें तो बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद? बहुत पसंद है। मैम अच्छा काम कर रहा है, राम मंदिर बनना है और क्या चाहिए, राम मंदिर बन रहा है और क्या चाहिए जी। तो ये एक अच्छा काम है पीएम मोदी हाँ से। और क्या, जीडीपी की ग्रोथ देख लो कितनी हाँ। अच्छी हुई है इस क्वार्टर में हाँ। और बाकी बहुत सारे कारण है, COVID-19 कैसे मैनेज किया उन्होंने बहुत हाँ। अच्छी चीजें हैं। बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें, मतलब जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए एस जयशंकर वगैरह, तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बंदे हैं ये, मतलब अब रशिया हो यूक्रेन हो उसमें किस तरह से हमने हैंडल करा, और जो भी इंटरनल हमारे बॉर्डर्स पे रिलेशंस हैं उनको काफ़ी अच्छे से टैकल करते हैं। जैसे दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और अपने इक्विपमेंट्स परचेज करने पे उनपे काफ़ी अच्छे डीलिंग्स करते हैं, और जो मतलब इंटरनल हमारे रिलेशंस है, मतलब जो भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर होते हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से डील करते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करते, कोर्ट को मतलब सुप्रीमेसी देते हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोकप्रिय हैं। और इन्होंने मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं अपने वर्ल्ड रैंकिंग्स में काफ़ी ऊपर उठाया है, जहाँ पहले विदेशी लोग जानते नहीं थे कि इंडिया क्या है, वहाँ आज जानते हैं कि हाँ भाई ये इंडियंस हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और काफ़ी मतलब जानने लगे, इंडियंस के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ काफ़ी अच्छे
हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी पार्टी की जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में मतलब न्यूक्लियर टेस्ट करा, और मतलब ये मतलब डरते नहीं है, है ना। जैसे पहले पाकिस्तान पीटता था तो हम जाके कहते थे कि भाई हमें पीट दे, अब हम डायरेक्ट जवाब देते, तो ये काफी अच्छा ट्रेट है कि स्ट्रेट तो स्ट्रेट बस। ये लोकप्रियता के कारण जो पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं इन वजह से भी, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे आज जो भारत की छवि है, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब वो छवि जो है वो बदली है, क्योंकि आज देश विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर कोई जानता है। यस मैम, एक तो इनकी ट्रैवलिंग पॉलिसी, ये इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं और बाहर के देशों से मतलब इतने अच्छे रिलेशंस वो कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली बाहर के देशों में अपनी इमेज अच्छी होगी। और जैसे कि अब G20 समिट की बात हो, अगले साल वो हमारे यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे इंडिया में हो रहा है पहली बार, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आगे के फ्यूचर प्लान्स है कि ओलंपिक्स वगैरह भी इंडिया में होंगे, तो इस वजह से अपने नरेंद्र मोदी काफ़ी पॉपुलर हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, इसलिए उन्होंने उनका नाम चल रहा है, नाम चल रहा है जी। तो देश की जनता को जो है वो गर्व है या नहीं कि आज एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर वन चेहरा घोषित कर दिया गया एक बड़े नेता के तौर पर? जी खुश है जी। देखिए ऐसा है, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने परिवार का बड़ा आदमी हूँ, अगर मैं अपने घर में कुछ अच्छा कर रहा हूँ तभी लोग मेरी इज्जत करेंगे ना, ऐसी मोदी जी की इज्जत कर रहे हैं लोग। तो क्या लग रहा है विदेशों में जो डंका बज रहा है वो अब भारत की छवि भी कहीं ना कहीं सुधार रहा है? बिल्कुल, नंबर ये नंबर वन पर होना चाहिए। हाँ। इंडिया। हाँ। और होगा, इंडिया होगा। मोदी जी के होते हुए सब कुछ अच्छा होगा। मतलब आपको लगता है मोदी जी के राज में अब इंडिया नंबर वन भी बन? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर वन ही बनेगा इंडिया। थैंक यू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कुछ लोग हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि जो ग्लोबल लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और ऋषि सुनक जैसे बड़े नेताओं को पछाड़ कर नंबर वन की पोजीशन हासिल की है, उनकी लोकप्रियता के क्या कारण हैं। देश की जनता ने साफ कर दिया कि लोकप्रियता के कारण बहुत सारे हैं, और जिस तरीके से पीएम मोदी इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। अब आपको क्या लगता है लोकप्रियता के क्या कारण है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन पंचानन के साथ चालनी झा, दिल्ली सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।